حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن الديلمي رضي الله عنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي إلى آخر الحديث قابل احترام نازدين وسامعين سامعین محترم हफ्तावारी दरस हदीस जुजाजतलमसाबी में आपका ख़ैर मकदम है तवीर हदीस शरीफ़ है जिसके रावी हज़रत इबन दल रवी अल्लाह है हदीस पाक में बहुत सारी नसीहतें हमारे लिए मौजूद हैं आइए हदीस शरीफ़ की तरफ हम चलते हैं आप फरमाते हैं कि अतई तो उबैय ना का बिन रवील्न मैं हज़रत उबई बिन काम रवि तह के पास आया और हज़रत ओबी बिन काब रज़ी अल्लाह ये बहुत शान फजलो कमाल वाले सहाब रसूल हैं आपके बारे में आता है अकरा उस यानी कुरान पाक को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले कुरान पाक को सबसे ज़्यादा जानने वाले सहाबी रसूल थे और पाक के हवाले से आपकी शान में बहुत सी हदीसें मौजूद हैं और आपसारी और खजरजी सहबी हैं और कातिबीन वही में से एक हैं और उन छः साहबा क्राम में से हैं कि जिन्होंने अहदालत में आप सल अमे में कुरान पाक का हिफ्ज किया खाली सलातू वाम ने आपकी कनीत अबलमनज़िर और हजरत मर ने आपकी अबू तुफैल रखा और ख़ाली सलात वाम ने आपको सईदुलसार कहा और हजरत उमर ने आपको सैदुलमसलिम कहा तो इस तरह बहुत सारी जो इनके बारे में फ़िलत वाली हदीसें मौजूद हैं बहुत ज़्यादा कुरान पाक का इल्म रखने वाले किबार साहबा में आपका शुमार है तो आप फरमाते हैं कि मैं उबे बिन काब रजी के पास आया और मैंने उनसे कहा क्या कहा फ़ी नफसी मिन अल कदर यानी कि कज़ा व क़दर के मतलब तकदीर के मतलब मेरे नफ्स में एक बात आई मेरे नफ्स में बेचैनी और शकूक व शुबहात पैदा हुए और मैं उस के इज़ाले के लिए उसको दूर करने के लिए हज़रत अबे बिन क़ के पास आया और मैंने आकर कहा कहाहद नीला बहू मिन कल्बी कि आप मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान कीजिए शायद के उस हदीस रसूल की वजह से मेरे दिल में कज़ा व क़द्र के मतलब तकदीर के मतलक़ बातबार अक्ल जो शकोक व शुबात पैदा हो रहे हैं और वो शकोक व शबहत क्या थे इसके बारे में बतलाया गया कि जब हर चीज़ उसका फ़ैसला हो चुका है कौन क्या करने वाला है और कौन जन्नती है कौन दोज़की है तो फिर ये अहकाम शरीयत क्यों है किसी को सवाब दिया जा रहा है किसी को आज़ाब दिया जा रहा है तो अजीज़ा महतरम जब हर चीज़ तय है तो फिर ये तमाम चीज़ें क्यों हैं तो इस तरह बतबार अक्ल उनके जहन में बहुत सारी जो है व शबहात पैदा हो रहे थे तो उसके इज़ाले के लिए हज़रत उबई बिन काब के पास आप आए और फ़रमाया कि आप अल्लाह के रसूल सल्ला वम की एक हदीस बयान कीजिए ताकि उस हदीस की बरकत से बातबार अख़ल मेरे जहन में तकदीर के मुतालिक जो शकूक व शबहत पैदा हो रहे हैं वो दूर हो सके वो रफ़ा हो सके तो आपने फ़रमाया फ़क लौल्ला अज़ब अहला समावाती ही व अहला आरजी ही अज़ब हम व हुआ गैर देखो अगर अल्लाह रब्बुल रब इज़्ज़त तमाम अहले समावत आसमान वालों को यानी कि उसके जो मुक़र्रब फरिश्ते हैं और दीगर जो आम फरिश्ते हैं अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी आजाब दे गया उनको अजाब दे और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले अर्ज़ यानी कि अम्बिया व मुरसलीन और दीगर अल्लाह के नेक बंदों को भी अगर अल्लाह इज़्ज़त अज़ाब दे तो वह हुआ गैर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिम नहीं है अल्लाह करने वाला नहीं है अजीज़ा मोहतरम याद रखें ये जो बात की गई है ये फ़र्जी गुफ्तु है और इसके बारे में बतलाया गया कि ये बार्ज़ मुहाल जैसे सुना बयान है यानी कि सिर्फ़ फ़र्जी तौर पर इसको बयान किया गया है वरना ऐसा तो होना मुमकिन नहीं है कि अल्लाह रबुल्ज़त मकर्र फ़रिश्तों को अम्बिया व बिल्ला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब दे तो मालूम हुआ कि ये जो बात है बफ़र्ज़ महाल गुफ्तगु है ये तो जिस तरह कुरान पाक की भी आयत है कुल कुल्कानरहमानी वल्फ़ा अव्लिदी ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह का बेटा होता तो सबसे पहले उसके पूजने वाला मैं ही होता तो क्या अलियाज बिल्ला अल्लाह का कोई बेटा हो सकता है तो जिस तरह अल्लाह का बेटा होना नामुमकिन है महाल है इसी तरह ये भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकर्रब मलाइका को उसके अंबिया व मरसलिन को व सालिहीन को आज़ाब देना भी ऐसे ही नामुमकिन है तो ये जो गफ्तु है फ़र्ज़ी गफ्तु है ब फ़र्ज़ महाल ये गुफ्तु है सिर्फ़ फ़र्जी तौर पर कहा जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इनको भी अगर आज़ाब देगा तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुल्म करने वाला हरगिज़ नहीं शुमार किया जाएगा क्यों नहीं शुमार किया जाएगा क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ये मिल्कियत है चाहे इंसान हो फरिश्ते हो या जिन्नात हो दुनिया का हर ज़र्रा हर मखलूक़ यह अल्लाह की मिलक है अल्लाह रबुल्ज़त अपनी मिल्कियत में जिस तरह चाहे वो तसरफ कर सकता है तो जिस तरह एक आम इंसान हम क्या करते हैं जानवरों को ज़ुबा करते हैं खाते हैं जो लकड़ी काटने वाला लकड़ियों को काटता है जलाता है और इसी तरह आ, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले मिट्टी से बर्तन को बनाते हैं तो अजीज़ा मोहतरम कई एक चीज़ें हैं कि जिसको करने के बाद इंसान को जालिम नहीं कहा जाता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मिल्कियत में अगर वो तसरुफ करता है तो भी उसको क्यों कर जालिम कहा जा सकता है तो यह फ़र्ज़ी गुफ्तगू है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर करता भी तो फिर उसके ऊपर जुल्म किए जाने का इल्ज़ाम हरगिज़ नहीं लगाया जा सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पर जुल्म करे जैसे कुरान पाक की आयत है कि ला इल्लावुलन्नासर शैया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों पर कुछ भी ज़रा बराबर भी अल्लाह जुल्म नहीं करता तो फिर ये फ़र्ज़ी गुफ्तगु है तो बतलाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अजाब भी देगा तो इसके बारे में बतलाया गया फ़ाबा हो अदल व ववाब हो फ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजाब देगा तो फिर उसका अजाब अदल है और उसका सवाब य फ़ल है लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है तो फिर आगे बतलाया गया कि वलो रहम कानत रहमत मिन खैरलिम अगर आज़ाब देगा तो फिर वो जालिम नहीं शुमार किया जाएगा और अल्लाह इज़्ज़त उन पर रहम करेगा यानी तमाम मखलूक़ पर रहम करेगा चाहे उसमें काफ़िर भी आ जाए मुर्तदीन भी आ जाए मुशरिकीन भी आ जाए तो फिर उसकी रहमत उनके अमाल से बेहतर है तो मालूम हुआ कि आमाल की वजह से ना इंसान जन्नत में नहीं जाता आमाल ये रहमत का सबब नहीं है अल्लाह रबुल्ज़त अपनी रहमत अपना फजल करम जिस पर चाहे वो कर सकता है तो अलग बतलाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर उन पर रहम करता है तो फिर उसकी रहमत बंदों के आमाल से बेहतर है फिर आगे बतलाया गया वलोनफ़्ता मिसला उदिन ज़हबन फ़ी सभी मा कबी लु मिन का हकता तो मिन अगर तुम सोने को जो कि कहे उहद उहद के बराबर अगर सोना भी तुम अल्लाह की राह में उसको राज़ी करने के लिए खैरत करते हो तो फिर अल्लाह इज़्ज़त उस वक्त तक तुम्हारे उस खैरत को तुम्हारे उस सदक़े को कबूल नहीं करेगा हती तो अमीना बिलकद्र जब तक कि तुम तकदीर पर ईमान ना लाओ यानी कि तकदीर पर ईमान लाना इतना ज़रूरी है कि जिस तरह बगैर ईमान के कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है इसी तरह तकदीर पर ईमान लाना भी ये अमर ज़रूरी है उसके बग़ैर अल्लाह इज़्ज़त तुम्हारा कोई सदक़ा तुम्हारी कोई नैकी जैसे अल्लाह अला इज़्ज़त कबुल नहीं करेगा व तलामा अन्ना असाबा का लम यकुल युखिया का और तुम ये भी जान लो कि जो कुछ भी तुमको पहुँचा है वह तुमसे टलने वाला नहीं था यानी कि कोई खैर हो कोई शर हो कोई भी नफ़ा या जरर हो चाहे वह थोड़ा हो या ज़्यादा हो छोटा हो या बड़ा हो जो कुछ भी है जो कुछ भी तुमको पहुंचा है तो समझ लो कि वो तुमसे टलने वाला नहीं था यानी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अगर ये कर लेते तो फिर ये नुकसान नहीं होता था अगर ये बात नहीं कहते तो ये नुकसान नहीं होता था ये काम कर लेते तो फिर हमको ये नुकसान से दो चार होना नहीं पड़ता था इस तरह नहीं कहा जाएगा तुम ये जान लो कि जो कुछ लिखा गया है वो तुमको पहुंचने वाला है वो टलने वाला नहीं है जैसे कुरान पाक की भी आयत है इल्ला मा यूसीबना अला माकतबल्ल कि हमको हरगिज़ नहीं पहुँचेगा मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकद्दर किया है फिर आगे बतलाया गया वह अन्नामा अख्ताका लम यकुन लियोसीब का और जो कुछ तुमसे टल गया है तुम ये बात जान लो कि वह तुमको पहुँचने वाला नहीं था फिर इसके बाद तकदीर के मुतल ज़रूरी ज़रूरी बातें बतला दी गई फिर बतला कर उसका नतीजा बतलाया जा रहा है कि वलो वलोमताली रिहाजा ला दखल तन्नार कि देखो अगर तुम इसके अलावा पर अगर तुम इंतक़ाल कर जाओ यानी अकीदे के अलावा पर अगर तुम इस दुनिया से चला चले जाओ तो ला दखल तल नारा तुम दोजख में दाखिल हो जाओगे तो ये दखल तल नारा ये जो बतलाया गया है ये जो वाईद पर इसको महमूल किया गया है या तहदीद पर यानी वईदन या तहदीदन ये कहा गया है कि फिर ऐसा एतखाज रखने वाला जो सुना वो दो में दाखिल हो जाएगा डराने के लिए कहा गया है सुबा अती अब्दुल्लाह इब्नी मसरूदिन फ़ा अल मिसलिक तो हज़ैफ़तबल यमानी फ़ाल मिसलिक फिर कहते हैं कि हज़रत इबन दमी फिर मैं वही सवाल लेकर हज़रत अब्दुल्ह अब्न मसूद और हज़रत बिन अल यमान उनके पास आया फिर हज़रत ज़ैद बिन सबित रज़ी यानी किबार सबा जो कुरान पाक और सुनत रसूल का ज़्यादा इल्म रखने वाले जो साबा थे मैं उनकी बारगाह में इस सवाल को लेकर आया कि जो बतबार अक़ल मेरे जहन में कज़ाव़द्र के मतलब जो शकोक व शबहत पैदा हो रहे थे उनको लेकर मैं इन लोगों की बारगाह में भी आया सबसे पहले उबे बिन काब भी बाकी तीन सहाबा के पास तो जुमला चार साहबा के पास हज़रत इबन दिलमी ने हाज़री दी और अपने शकूक व शबहत के मतलब जो बात रखी तो सारों का जवाब एक ही था यानी कि हज़रतुबे बिन काब ने जो जवाब दिया बान अजल्ला साहबा ने भी उनको वही जवाब दिया तो मालूम हुआ अजीज़ा मोहतरम कज़ा व क़द्र के मतलब दौरे सहाबा में ही बहसें छिड़ गई थी और लोगों के दिलों में जो कदरिया सोच रखने वाले या फिर जबरिया फ़िक्र रखने वाले हजरात उस ज़माने में भी मौजूद थे और जो है सुना वो लोगों के जहनों में शकोक व शबहत को पैदा करते थे और ये भी हमको इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि जब भी कोई शिकुक व शुबहात दीन के मामले में कोई अकीदे के मामले में अगर पैदा हो जाए तो फिर किसी ऐसे के पास ना जाया जाए जो इसका इल्म ही रखता बल्कि हज़रत इब्ने दिलमी ने उन सहाबा की बारगाह में हाज़री दी कि जो सहाबा कुरान व हदीस का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे तो फिर सहाबा है कि अगर कोई शकुक व शुबहात पैदा हो जाए और इसी तरह कुरान पाक का भी हुक्म है कि फसलदी ज़िक्र इन इनकुल ला तालमून कि अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो तो अज़ीज़ा मोहतरम शकूक व शुबहात के इजाले के लिए की बारगाह में आना और अपने शकूक व शुबहात को दूर करना यह सुनत सहाबा है और एक बात हदीस पाक से हमको ये भी मालूम होती है कि क़ज़ा व क़द्र के मुतक़ ज़्यादा जो है सुना बंदे को सोचने की इजाज़त नहीं दी गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिखा वह होने वाला है लेकिन बंदा सिर्फ इतना कर सकता है कि अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ढाल ले फिर इसके बाद नतीजा वो अल्लाह के सुपुर्द कर दे और रजीज़ा मोहतरम इस हदीस पाक में ये भी हमको मालूम होता है कि जब भी शकूक व शबहत हो तो फिर जो हला के पास ना जाया जाए पहले के पास जाकर अपने शकूक व शबहात का इजाला करना चाहिए जैसे कि हज़रत इब्न दिलमी रज़ील ने किया था रवाहद व अबू दाऊद अबन माजा इस हदीसपा को इमाम अहमद ने इमाम अबू दाऊद और बिबन माजा ने रिवायत किया है आखिर में अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम को अमल की तोहफ़ी ख़तफरमा